मत फेंक पत्थर पानी में, अरे उसे भी कोई पीता है। जरा मुस्कुरा ले, तुझे देख के भी कोई जीता है। हाय, कैसे हो आप लोग? जय माता दी। थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दो, सब्सक्राइब भी कर दो। मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे क्लाइंट के बाल बहुत फ्रिजी थे और हमने उनके बालों में प्रोटीन का ट्रीटमेंट किया और इनके काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। बहुत अच्छा फ्रिज बैठ गया और बाल काफ़ी हेल्थीली स्मूथ भी हो गए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको भी सेम प्रॉब्लम हो तो नीचे नंबर लिखा आ रहा है यार, उस पर कॉल करके इन लड़कियों को परेशान करो। कॉल करके उनको बोलो कि आपको इसकी सारी डिटेल दे कि ये ट्रीटमेंट है क्या और कैसे इसका रिज़ल्ट आएगा। बट हाँ, ट्रीटमेंट हम आपके बालों को देख के ही कर पाते हैं। बगैर बाल देखे, बगैर बालों को जस्टिफाई किए अगर हम आपको कोई भी ट्रीटमेंट फ़ोन पे बोले तो वो 100% नहीं होता है। आपको आके अपने बाल दिखाने पड़ेंगे, अपनी प्रॉब्लम हमें बतानी पड़ेगी, तभी हम एक अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स में इसको स्टार्ट शेयर करो प्लीज़। थैंक यू, लव। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता, कहाँ से आप आए हो? आपने दो दिन इस प्रोसेस को अपने बालों में रखा भी, तो पहले आपके बालों में हेयर फॉल की क्वांटिटी और अब हेयर फॉल के प्रोसेस में कितना फर्क है? अभी तो हेयर फॉल बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो जनरली हम प्रोटीन प्रोसेस इसलिए करते हैं कि आपका जो भी आउटर हेयर फॉल है वो रुक जाए। इसमें बहुत सारी टाइप की कैटेगरीज आती हैं, सो स्पेशली फ्रिज कंट्रोल करने के लिए या हेयर फॉल रुकने के लिए अलग अलग टाइप के कैरेटिन प्रोटीन्स आते हैं। हर कैरेटिन और प्रोटीन का एक काम नहीं होता, इट्स ऑलवेज मैटर कि आप क्या ले रहे हो। तो जो आपका ड्राइनेस का हेयर फॉल होगा, जो ड्राइनेस का फ्रिज होगा, वो 100% बैठ जाएगा। आर यू कम्फर्टेबल? ना, थैंक यू, क्योंकि तुमने 48 घंटे इसको रखा भी। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वेरी वेरी मच। एक मिनट।